जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग में नीरज। खबर छत्तीसगढ़ में आगू बढ़बो। कोरबा के रिजदी गांव जिहां बछर 1994 में देबू पावर प्लांट की स्थापना करे बर प्रस्ताव हो रही, जेकर बर राज्य शासन मध्य प्रदेश के सरकार ह गांव के लगभग 300 एकड़ भूमि ल अधिकृत करके देबू पावर प्लांट ल पावर प्लांट स्थापित करे बर अनुमति प्रदान घलो करे रहीस। साउथ कोरिया के देबू कंपनी दिवालिया होए के बाद पावर प्लांट ल तय समय में स्थापित नहीं कर पाई। कंपनी पर जमीन के अधिग्रहण 1998 में करे के संग गांव वाले मन ले कई प्रकार के करार घलो करे गए रही। फिर अब 25 बछर बीत जाए के बाद भी अब तक ना तो कंपनी हा कोनो निर्माण करे है और ना ही ग्रामीण मन ले करे गए करार ला पूरा करत है। तय सीमा के बाद लगातार गांव के लोगन मन उक्त जमीन में अपन कृषि कार्य करत आते। फिर 15 मई के दिन अचानक जिला प्रशासन कोरबा के राजस्व अमला द्वारा गैर कानूनी रूप से सीमांकन करे गई। एकर संग चार चार जेसीबी के उपयोग करके जमीन के खुदाई और कई पेड़ ला उखाड़ के क्षतिग्रस्त कर दिए गए। एकर कारण किसान और जिला प्रशासन के राजस्व अमला के मध्य विवाद की स्थिति घलो उत्पन्न हो गई। ये सब ला छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मन के अधिकार के हनन के बात कहत हुए पूंजीपति मन ला लाभ पहुंचाए के बाद कहत हुए कार्रवाई के बात कहे जाते। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी छत्तीसगढ़िया के अधिकार ला संरक्षित करे बर कटिबद्ध है। आगू अवैया समय मा पीड़ित किसान के कंधा से कंधा मिला के सड़क के लड़ाई करे बर बाध्य होए के बात कहत है, जेकर पूरा जवाबदारी जिला प्रशासन कोरबा और राज्य सरकार के होही। ओहर तो देबू कोरिया ऐसे करके बोल रहे है। अब ओहर बोल के ले रही से कि पावर प्लांट बनाए एक नाम से, उसका दिन बीत गया कछु नहीं बनाई सो है। और हमला नौकरी उकरी खलाए दे के वादा करे रही से, कॉलेज हुआ बनवा दूँ, स्कूल हुआ बनवा दूँ, सब सुविधा दूँ, इसे करके बोले नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं दही तो हम। अब हमारे का रास्ता देखा देखा थक गए इनका देवा, जो भी हमारा मुआवजा दे रही तो हम गरीब आदमी खा पी जा रहे हैं। बावजूद भी हमारा नहीं बनत रही तब हम खेती बाड़ी चालू कर दे, हम अपन खेती बाड़ी कैसे छोड़ करके। अब हम शुरू करे हैं ना भूख मरत हम, तो हमारा तो कुछ करने पड़ी, इसे करके हम खेती बाड़ी ला बोए बा चालू कर दे हैं। 1998 के आसपास देवू पावर प्लांट की जो जमीन है वहाँ जो है सीमांकन करे आ रही से, चूंकि ये सीमांकन ना लगते हुए हमला लगा थी कि ये कब्जा करेगी नियत से प्रशासनिक अधिकारी मन ला आगे करके पूंजीपति मन जो है इतना पूरा बेसकीमती जमीन ला कब्जा करेगी फिराक में। काबर की देबू कंपनी जो है 1998 के आसपास यहाँ अधिग्रहित करी रही से भूमि ला, लगभग 300 एकड़ के जमीन ला। ओकर बाद से जो तय समय सीमा है 5 से 7 साल की जो टाइम पीरियड दी थी, वो टाइम पीरियड में ना तो पावर प्लांट स्थापित हुई और ना तो जो प्रभावित किसान मन है उमन के परिवार मन लग रोजगार मिली।